होते रहे तो उसमें जो है नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्या अपनी बात कहने में क्या है, इसको सब भिजवाऊं फिर। हाँ, और जो है काका दिन कोई क्या बताए, तो क्या इसमें निकालेंगे भाई, तो दबाव तो आप के द्वारा आप विभाग हमारे ऊपर करता, वो तो मस्त हो जाते। आप ही लोग कहते हैं कि चलिए उठाइए चलिए उठाइए चलिए, तो अब जो कि हम तो क्या कहें, हम लोग कोई आप रास्ता बताओ, पूरा खाद्यान्न उठान करवाया जाए कहीं कोई। हाँ, उठान के लिए आपके ऊपर दबाव, फिर हमारे ऊपर दबाव, पब्लिक कहीं सफर न करे इसलिए उसको कोई ध्यान की। पर ये है कि कई बार आप लोग ज्ञापन में भी दिए, हमें लगता है उसका कुछ आसानी कांटों की बात हुई, लेकिन अभी कई कई जगह संचालित ही नहीं है, वैसे रखे अच्छा जहाँ रखा। जो ये मशीन है ई पास मशीन, ये ठीक से न चल रही है न अंगूठा ले रही है। जनता जो है जाती है दुकानों पर, तो एक बार दो बार अंगूठा नहीं लगने पर जनता आक्रोशित होती है, दुकानदारों को गाली झगड़ा मारपीट की नौबत आ जाती है, और हम लोगों को घटौली के रूप में गोदामों से मिलता है अनाज, हम लोगों को घाटा हो रहा है। आज हम लोग इनके पास आए हैं जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के पास कि हमारी इन समस्याओं को तुरंत निदान कराया जाए, अन्यथा हम लोग मजबूर हो जाएंगे आंदोलन के लिए। क्या मारपीट का भी वो हो जाता है, कई दुकानों पर जनता ने मारपीट किया, गाली दिया, FIR तक कर हो रही है। अधिकारियों का दबाव अलग रहता है कि आप परसेंटेज पूरा करिए, मतलब अगर हमारे यहाँ 100 कार्ड है तो आप जो है 90-95 का बिक्री करिए, और वहाँ हम जब बैठते हैं दुकान पे तो मशीन चलती ही नहीं, सर्वर नेटवर्क लगता है इन्हें 3G पर ये घसीट रहे हैं, जमाना कितना हो गया है आज आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जनता दुकानदारों पर सारी गुस्सा उतार रही, अधिकारी ऊपर से दुकानदारों पर उतार रहे हैं गुस्सा अपना। मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस महीने जब 5 तारीख से वितरण शुरू हुआ है, तो ई पास मशीन जो यहाँ पर उसकी ओएसिस कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, उसमें सर्वर प्रॉब्लम के कारण इनके यहाँ जब कार्ड धारक आ रहे हैं तो वो एक एक कार्ड धारक को ऑथेंटिकेशन करने में कम से कम 20-25 मिनट लगता है। इससे क्या होते हैं, कार्ड धारक बहुत उत्तेजित होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जानबूझ कर ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर आज जैसे नहीं हुआ तो कल आएंगे। स्वाभाविक है कि जब सही सर्वर और नेटवर्किंग काम नहीं करेगी तो बहुत लोग, जितने लोगों का हो जाना चाहिए था उतने समय में उतने लोगों का नहीं हो पाएगा। क्या प्रॉपर वे में सभी जगह प्रॉब्लम आ रही है कि किसी मेन जगह ऐसी जगह? ये अभी आप लोगों ने बताया, अभी परसों नरसों के दिन 2-3 लोग बताए थे यहाँ शहर में प्रॉब्लम है। अब इनका कहने का ये है कि यहाँ जो एयरटेल की सिम दी गई है इसे वोडाफोन की, तो उसका नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, तो उसके संबंध में हम लोगों ने भी पत्र वहाँ पर लिखा है NIC उत्तर प्रदेश के, चूंकि सर्वर एक है तो वहाँ हमने अपने मुख्यालय को बताया है, अवगत कराया है कि इस संबंध में इस पर अगर सर्वर पर सुधार हो जाए तो अच्छी इसकी स्पीड आ जाए तो जल्दी वितरण हो जाए। दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये है कि गोदामों से जब उठान होता है विपणन गोदामों से, तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा, और इनको अपेक्षाकृत जितना वजन होना चाहिए वो कम मिलता है, तो उसकी भी इन्होंने मांग की है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमें कम मिलता है जबकि तौल के देना पड़ता है एक एक अगर इंडिविजुअल आदमी को, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो इन चीज़ों को इन्होंने कहा है, अब इसका भेजेंगे हम इसको ऊपर जिस लेवल पर भेजना है।